वेलकम टू माँ का खाना। आज हम बनाएंगे टमाटर का सूप। चलिए हम बना लेते हैं। टमाटर का सूप बनाने के लिए मैंने 8 टमाटर लिया है, 1 इंच अदरक, 3 कलियां मैंने लहसुन का लिया है, आधा चम्मच नमक लिया है, काली मिर्च लिया है, काला नमक लिया है। ये हम स्वाद के अनुसार डालेंगे। अभी हम टमाटर, अदरक और लहसुन और नमक डाल के ये सब हम बॉईल कर लेते हैं कुकर में। टमाटर के हम 4 पीस करेंगे और पूरा हम नहीं काटेंगे, यहाँ से हम पैक ही रखेंगे। इस तरह से हम 4 पीस करके, इस तरह से हम टमाटर के 4 पीस करेंगे। यहाँ हम जॉइंट रखेंगे इस तरह से। हमने 2 गिलास पानी लिया है और इस तरह से हम टमाटर काट कर बॉईल होने के लिए डाल देंगे। और हम ये लहसुन भी डाल देंगे और अदरक हम इस तरह से काट के डालेंगे। काट के डालेंगे तो इसका फ्लेवर थोड़ा अच्छा आएगा। सारे टमाटर हम इस तरह से काट के डाल देंगे, इस तरह से जॉइंट रहेगा। अब ये हम नमक डाल देंगे, काली मिर्च और काला नमक सूप बनने के बाद हम डालेंगे। अब हम कुकर बंद कर देते हैं, 2 सीटी लगा लेंगे। कुकर हो चुका है, अब इसका गैस भी निकल गया है। अब हम सीटी निकाल के कुकर खोल लेते हैं और टमाटर अभी हम छील लेंगे। टमाटर हम इसमें निकाल लेंगे, ऐसे हम अभी छीलेंगे, टमाटर का छिलका निकाल लेंगे। अब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा, फिर हम इसे छिलका निकाल कर पीस लेंगे। ये सारे अदरक, लहसुन, टमाटर, इसे हम अभी थोड़ा ठंडा होने देंगे। छिलका निकाल लेंगे हम सारे टमाटर का। देखिए एकदम आराम से छिलका निकल रहा है। सारे टमाटर का हम छिलका निकाल लेंगे। सारे छिलके हमने निकाल लिया है, ये थोड़ा ठंडा हो जाए फिर हम इसे पीस लेंगे। अगर अगर हम जल्दी हमें पीसना है तो हम इसमें 2-4 बर्फ के टुकड़े डाल के पीस सकते हैं साथ में। अभी इसे ठंडा हो जाएगा तो हम इसे पीसेंगे आराम से। अब ये ठंडा हो चुका है, अब हम इसे पीस लेते हैं मिक्सर में। ये हमने पीस लिया है, अब इसे हम बॉईल करेंगे फिर से। अब इसे हम इसमें डाल देते हैं। कुकर में थोड़ा पानी है, इसका टमाटर बॉईल किया था, ये हम मिक्सर घुल के डाल देंगे। अब ये मिक्सर हम घुल के इसमें पानी डालेंगे। हम इसमें अरारोट नहीं डालेंगे, ये गाढ़ा होने के लिए। इसमें हम कुछ भी नहीं मिलाएंगे, इसी तरह हम इसे अच्छी तरह से बॉईल करेंगे। देखिए हमने ना इसमें कॉर्न पाउडर डाला है, ना अरारोट डाला है इसमें, ना हमने कलर डाला है, कितना बढ़िया एकदम गाढ़ा बना है। अब हम गैस बंद कर देते हैं। हमने काफ़ी अच्छी तरह से बॉईल किया है, खूब अच्छा से ये खौला है। अब हम गैस बंद कर देते हैं और निकाल लेते हैं। गर्मा गर्म सूप बन के तैयार है। अब हम इसमें काला नमक डालेंगे, अपने हम स्वाद के हिसाब से डालेंगे, आप अपने स्वाद के हिसाब से डाल सकते हैं। अब इसमें हम काली मिर्च डालेंगे, ये हम अपने स्वाद के हिसाब से डालेंगे। गर्मा गर्म सूप बन के तैयार है। आप इस तरह से सूप बनाइए। इसमें ना हम कॉर्न पाउडर डाले हैं, ना अरारोट डाले हैं, ना हमने कलर डाला है, एकदम बहुत ही बढ़िया गाढ़ा सूप बना है। इस तरह से आप बनाइए, आपको ज़रूर पसंद आएगा। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आता है, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।